मुर्दाबाद 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 किन्नी दी सुक्कू मुर्दाबाद 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 अच्छा प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित सचिवालय के बाहर दृष्टिबाधित संघ ने चक्का जाम कर दिया। संघ का कहना है कि बैकलॉग भर्तियों को लेकर सरकार लंबे समय से सिर्फ आश्वासन दे रही है, इसलिए उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मुर्दाबाद 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 किन्नी सुक्कू मुर्दाबाद 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 सुनेंगे मेरे का शर्म करो शर्म करो शर्म करो। पुलिस यहाँ से आ रही है। जी मेरा नाम राजेश ठाकुर है, मैं रामपुर बुशहर का रहने वाला हूँ। देखो जी, मांग तो हमारी बैकलॉग का कोटा, जो सरकार के पास हमारा बैकलॉग का कोटा फंसता है, हम वही मेन मांगे हमारी कि बैकलॉग का कोटा भर्ती मेले के थ्रू भरा जाए। एक साल से हम वही मांग मांग रहे हैं। 362 दिन हमें आज हो चुके हैं, 3 से 4 बार हमारी मीटिंग भी हुई, लेकिन वो सारी की सारी मीटिंगें बेनतीजा रही। और सरकार क्यों काम नहीं कर रही है, इस क्यों का जवाब हमारे से बेहतर आरजी सुक्कू जी और धनीराम शांति जी दे सकते हैं। हम तो तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो पाती और लिखित में हमें जवाब नहीं मिल जाता है। तब तक हम आज पूरी तैयारी के साथ सारे साथी लोग आए हैं, कंबल गर्म कमरे हम अपने साथ लाए हैं, हम दिन रात यहीं पे रहेंगे। अगर रात के समय हमारे साथ कुछ भी होता है, उसके जिम्मेदार प्रदेश का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्कू जी होंगे, प्रदेश की पुलिस प्रशासन होगा, और जिस भी तरह से हमें दिक्कत आती है हम सड़कों पे रहेंगे। चाहे हमें भूखा रहना पड़े, चाहे हमें प्यासा रहना पड़े, हम सड़कों पे ही रहेंगे जी।